घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। तपो भूमि नमिस्सारण, पावन भूमि नमिस्सारण, जिसके पग पग पर तीर्थ और कण कण में देवों का स्थान है। और आज उसी नमिस्सारण के एक ऐसे पावन स्थान पर लेके आए हैं जहां आते ही मनुष्य का सीधा संबंध न सिर्फ धर्म और अध्यात्म से हो जाता है, बल्कि अगर कोई कामना है तो वो कामना भी पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, मैं आपको लेके आया हूँ नैमिषारण्य से के पास स्थित खैराबाद, और खैराबाद का यह है भुइया ताली तीर्थ स्थान। लगभग 8,500 वर्ष पूर्व भारत में उदय हुआ था राजा विक्रमादित्य प्रथम का। राजा विक्रमादित्य प्रथम ने हिंदुस्तान के कोने कोने में देव स्थानों का निर्माण किया था, और इसी क्रम में इसी खैराबाद, जिसे उस समय खैराबाद नहीं कहा जाता था बल्कि ये मानचित्र के नाम पर जाना जाता था, इसी स्थान पर आकर प्रथम राजा विक्रमादित्य ने लगभग 8,500 वर्ष पूर्व 4 देवियों की स्थापना की थी। उसमें से पहली देवी की जो स्थापना हुई वो थी पूर्वी देवी, यानी भूमि देवी भी कहा गया, और ग्रामीण भाषा में भुइया ताली भी कहा गया। पूर्वी देवी का है ये पावन स्थान, और ये हजारों हजार वर्ष पूर्व से खड़ा हुआ है बरगद का वृक्ष, जिसके अंदर न जाने कितने ऋषि मुनियों ने तप और तपस्या की है। आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी पूर्वी देवी के इतिहास के बारे में, बताएंगे प्रथम राजा विक्रमादित्य यहाँ क्यों आए, क्यों इसका निर्माण किया, और क्या चमत्कार है आज भी इस स्थान का। यह है भुइया ताली तीर्थ। इस तीर्थ की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी। अत्यंत रमणीय स्थल है। कहते हैं इस तीर्थ में स्नान करने से न सिर्फ मनुष्य के पाप धुल जाते हैं बल्कि मनोवांछित कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह तीर्थ श्रेष्ठ त्रिकालदर्शी सिद्ध संत लक्ष्मणदास जी की कर्मस्थली रहा है, इसलिए इस तीर्थ व आश्रम का नाम भी महर्षि श्री लक्ष्मणदास उदासीन आश्रम के नाम से पर ही है। दिव्य भव्य व रमणीय है भुइया ताली तीर्थ। इस तीर्थ का नाम भी यहाँ की अधिष्ठाती देवी पूर्वी माता भूमाता या स्थानीय भाषा में भुइया माता के नाम से ही जाना जाता है। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यह दिव्य तीर्थ है, और इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य प्रथम, जिनका कार्यकाल आज से 8,500 साल पूर्व था, महाराज विक्रमादित्य प्रथम जो है इसकी स्थापना किए थे, और यहीं पे भुइया ताली माता का मंदिर है, पूर्वी माता भी जिनको कहा जाता है, और हम सभी क्षेत्रवासियों की आस्था का एक केंद्र है। और तीर्थ की स्थापना जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक भव्य मेला लगता है, अमावस्या के दिन मेला लगता है। लोग अपने कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तीर्थ के जल से या पूर्वी माता के दर्शन से ही यहाँ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की जनता प्रारंभ करती है। यह तीर्थ बहुत ही पौराणिक है, और ये नैमिष भूमि पर है, तो नैमिष भूमि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 240 किलोमीटर की अवधि जो है क्षेत्र जो है वो नैमिष भूमि माना जाता है, तो नैमिष भूमि से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। और कुछ किदवंतियाँ यहाँ है कि संत लोग यहाँ तप भी किए थे या यहाँ पे जो है भ्रमण करते थे, तो कुछ किदवंतियाँ ये भी मानी जाती है। हमारे क्षेत्र का यह बहुत ही पौराणिक स्थल और बहुत ही पूजनीय स्थल है। हमारे क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू अगर होता है, तो उसके यहाँ कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, तो इस तीर्थ और माता के दर्शन के बगैर वो लोग नहीं करते। जैसा कि यहाँ जो पूर्वी देवी हैं जिनको भुइया माता भी कहा जाता है, उनके बारे में मैं कहूँगा तो अलग बात है, क्षेत्र की जनता से भी पूछ सकते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, जो भी इनकी मन्नत जिस प्रकार की ही मन्नत मानता है वो पूर्ण रूपेण और शीघ्र से शीघ्र होती है। और एक ही बहुत अद्भुत विषय है,
यहाँ नर्देश्वर शिवलिंग स्थापित हैं जो बहुत ही कम स्वरूप में देखने को मिलते हैं। महाराज विक्रमादित्य कालीन नर्देश्वर शिवलिंग है, उनके ऐसा अर्घा जैसे शिवलिंग का जो अर्घा है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर स्थिति है जिसपे जो है प्रभु स्थापित हैं। और बहुत ही संयोग और खुशी का विषय है कि एक दो जिलों में यहाँ माँ बंगलामुखी का मंदिर नहीं है और माँ बंगलामुखी का मंदिर भी यहाँ निर्माण हो रहा है, जो एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। दो माँ मिलेंगी और दो माताएं मिलकर हमारे क्षेत्र का विकास करेंगी। यह नैमिषारण्य का ही एक क्षेत्र है। यह मुगल काल में इसका नाम भले ही खैराबाद पड़ गया हो, किंतु पौराणिक काल में इस स्थान को मानस छत्र के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि प्रथम राजा विक्रमादित्य ने यहाँ चार दिशाओं में चार देवियों की स्थापना की थी। राजा विक्रमादित्य द्वारा एक कुएं से निकालकर स्थापित की गई माता गौरी का चमत्कारिक इतिहास जानने के लिए हमारे इसी चैनल में कुएं से प्रकट हुई गौरी माता जरूर देखें। पौराणिक काल में यह ऋषि मुनियों की तपस्थली मानी जाती थी। एकांत और घनघोर अरण्य था। यहाँ अलोप देवी वास करती थी और राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में आभास कराया था कि मेरी स्थापना करो। राजा विक्रमादित्य ने यहाँ माता पूरी देवी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग आज भी मौजूद हैं। यहाँ भूदेवी यानी पूर्वी देवी के अतिरिक्त माता काली, शिव, हनुमान, शनि देव सहित अन्य तमाम देवी देवताओं की स्थापना है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन तपोधाम पर यदि आप कोई भी मनोकामना करते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। नैमिष का ये एक सिद्ध स्थान है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो कृपया इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ताजा तरीन समाचारों के लिए कमेंट टुडे को सब्सक्राइब करें। प्रेम सनातन टीवी का सहयोगी प्रकाशन।